जल शक्ति विभाग ऊल उपमंडल के तहत भद्रोहा गांव में पेयजल के टैंक की वास्तविक स्थिति को लेकर अब दो गुट आमने सामने हो गए हैं, जहां ग्राम पंचायत बटेर के उप प्रधान अनिल कुमार ने वीडियो जारी करके पेयजल टैंक की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया है। उनके अनुसार विभाग की लापरवाही से गांव बद्रोह ग्राम पंचायत भटेड़ विकासखंड बमसण के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। टैंक के हालात ऐसे हैं कि वहां पर पशु पक्षियों की गंदगी भी टैंक पर गिर सक जाती है। शिकायतों के बावजूद भी विभाग इस टैंक की छत की रिपेयर नहीं कर रहा है। अगर इस गंदे पानी को कोई पी ले तो वह बीमार हो सकता है, इसलिए इसके लिए जल शक्ति विभाग को उन्होंने उत्तरदायी माना है। पंचायत उप प्रधान अनिल कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठा रहे हैं। ये बंदरों गांव का टैंक है, वाटर टैंक। यहाँ से पूरे गांव को सप्लाई हो रही है। इसी में बंदर नहा रहे हैं और इसी में जो ना पूरा पक्षी गंदा पानी सारे के सारे गांव को मिल रहा है। डिपार्टमेंट को कई बार बोल लिया, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो SDO सुनता, ना इनके कर्मचारी कोई भी। ये देखो पूरा उखड़ा पड़ा हुआ टैंक। इसी में से नया टैंक बना, इसी में से लोगों ने गंदे पानी, वो जो बकेट डाल के इसमें से पानी निकाला, और गांव को सप्लाई भी यहाँ से हो रही है। अगर कोई हेल्थ हजार्ड होता है तो डिपार्टमेंट इसका जिम्मेवार है। ये देखो सारा टूटा पानी, पूरा गंदा पानी बाहर से, पशु पक्षियों की बीट भी इसमें जा रही है, बंदर नहा रहे हैं इसमें। ये देखो इस टैंक की जो है ना पूरा खुला पड़ा हुआ है। विभाग कोई सुनवाई नहीं करता है इसकी। कई बार SDO को भी बोल लिया, और ये देखो, और ये नया टैंक बनाया है, इसका सारे का सारा गंदे जो पूरा पानी यहाँ से बाल्टियों से निकाला गया है इसमें, और पूरा गांव जिसमें 55 और 60 परिवार हैं पानी पी रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पंचायत का ही एक गुट विभाग के समर्थन में उतर आया है। अपनी ही पंचायत के उप प्रधान को घेरते हुए पंचायत के प्रधान प्रकाश चंद और वार्ड सदस्य सुशीला देवी ने आरोपों के संबंध में उप प्रधान पर विपक्षी पार्टी से संबंधित होने की बात कहकर इसको इतिश्री करने की कोशिश की है। देखो ना कल भाई यहाँ ऊपर था निडाली होनी वीडियो एक, तो ये हटा कर सारा, तो तू है सारा बाढ़ पे सारा बाढ़ रिकॉर्ड है पुराने, ये बाढ़ रिकॉर्ड सारा भी चार नहीं है, बोलना तो बोलता ना रिकॉर्ड मांगे ना ठीक है, ऐसे ढका हुआ रहता है और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो खुद हटा है, खुद हटा कर मैं 15 दिन पहले आ रहे थे अभी डक रहे हैं, आए टैंक का करना चेक करना नहीं आंदे। अब ये तो खुद हटा, ये जाल खाती है ना, फिर हटाना खुद ही हटाना, मैंने खुद ही अपने वीडियो बनानी खुद ही दसी है ना। उन्हें तो वाटर कार्ड है 15 साल हो गए थे रिटायर हो, अप्रैल महीने में रिटायर हुआ सर, मैं उससे पहले बेटा। अच्छा है, ऐसे काटा हुआ था हम सभी आए थे, सभी आए थे, सभी ग्रामवासी आए थे, उस दिन भी सारे थे। धन्यवाद। आपने जो नया टैंक बनाया इसके लिए हम ग्रामवासी धन्यवाद करते हैं। जो नया टैंक बना इसका हम सब ग्रामवासी धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। विभाग का बहुत 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 शुक्रिया विभाग। आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग ऊल उपमंडल के तहत बद्रोह गांव में बने पानी टैंक की हालत आप इन छायाचित्रों में देख सकते हैं। सच्चाई को लाख छुपाने की भी कोशिश की जाए फिर भी ये छुप नहीं सकती है। लोगों का खुद मानना है कि पेयजल टैंक की छत पिछले 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है और अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। इस बारे में जल शक्ति विभाग ऊल के सब डिवीजन के SDO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि टैंक क्षतिग्रस्त होने के कारण अब नया टैंक बनकर तैयार है, शीघ्र ही नए पेयजल टैंक से सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने माना कि टैंक की छत टूटी है लेकिन इस पर शीट लगाकर इसे ढका गया है।